आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आ रहे हैं या दिल्ली से कहीं जा रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखिए। अगर आप सेंट्रल दिल्ली के अंदर आना चाहते हैं तो चप्पे चप्पे पर आपको सिक्योरिटी फोर्सेज मिलेंगे, कई जगह बैरिकेड्स हैं, और अगर आपको सेंट्रल दिल्ली आना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने पड़ेंगे, या तो आपके पास पास हो, या आपके पास अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहां की टिकट हो, या आप ये प्रूफ कर सके कि आप सेंट्रल दिल्ली में रहते हैं। उसके बाद ही जिस तरीके की शनाख्त यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये पुलिस वाले जो नजर आ रहे हैं आपको पास चेक करते हुए, ये पास देख के डॉक्यूमेंट्स देखकर ही आपको अंदर जाने की अनुमति देंगे। अगर आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपको सेंट्रल दिल्ली में क्यों जाना है, तो यहीं से आपको यू टर्न लेना होगा। बैरिकेड्स पीछे की तरफ मैं जहां खड़ी हूं ये आईटीओ है, और यहां पर ये बैरिकेड्स इसीलिए लगाए गए हैं ताकि कई लेवल्स पे, कई लेयर्स पे जो है सिक्योरिटी चेक किया जा सके। लेकिन अगर आपको मेट्रो का इस्तेमाल करना है तो मेट्रो की सभी लाइनें खुली हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वाली जो लाइन है वहां आप पार्किंग भी नहीं कर पाएंगे, और 9 और 10 सितंबर को उसको बंद रखा जाएगा। बट उसके अलावा सेंट्रल दिल्ली के अंदर डॉक्यूमेंट्स आप प्रूफ करिए, और बाकी दिल्ली के अंदर आने और जाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी वाले आपको कई सारी जगह नजर आएंगे और चेकिंग पूरी दिल्ली के अंदर, खासतौर से जो सेंट्रल का जो इलाका है, सेंट्रल दिल्ली का, वहां पर बहुत तेजी से इस समय चल रही है।